ये जो वीडियो है इसकी शुरुआत करते हैं कहानी से। बात है कुछ एक आध साल पहले की। मेरा दोस्त निखिल वो एक नए फ्लैट में मूव इन हुआ था और उसे घर पे गया था। हम पार्टी वार्टी कर रहे थे, दारू वारू पी रहे थे, मजा कर रहे थे और उसके पास एक साउंड बार था, फिलिप्स का कोई तो साउंड बार था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने एक होम थिएटर सिस्टम को, एक साउंड बार को अच्छे से सुना एंड आई वाज थरली इंप्रेस्ड। मैंने सुना, मुझे सोचा लगा कि यार ये तो अपने लाइफ में चाहिए ही चाहिए। इट वाज दैट गुड एंड आई एम अ म्यूजिक लवर। तो फिर आज वैसे ही कुछ लेने के लिए जाए गए। फिलहाल मैंने सोच कर रखा है कि मैं सोनी का जो S20 XT20 ऐसा कुछ तो एक आता है वो ले लूं, लेकिन वापस जाते हैं थोड़ा समझ से, जो उधर के जो एक्सपर्ट्स रहेंगे उनसे जरा बात करते और सीखते उनसे क्या कर सकते और फिर ले लेंगे, अच्छा लगा तो। और अभी यहाँ पर खड़ी हमारी आजादी, बहुत दिनों बाद अभी स्टार्ट होगी। मैं जस्ट महाबलेश्वर की ट्रिप से आया हूँ। क्या खूबसूरत दिखती है यार, देखते हैं चलो फर्स्ट किक में होता है कि नहीं। सीट थोड़ी सी गीली है, बहुत सा गीला हुआ तो हुआ, मैं तो वाटरप्रूफ हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हो गई वन किक। ये मैंने सस्ते 50 रुपए वाले इंडिकेटर लिए थे, सब जगह से टूट रही है, टूटा है, सब टूटे हुए, सबके सब रिप्लेस करने पड़ेंगे। मार इसको थोड़ा सा। हमारा दोस्त गणपति पप्पा गौरंग। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं ऐसा साउंड बार लूं क्योंकि मुझे म्यूजिक का ऐसा सेट बहुत शौक है, लेकिन साला पैसा नहीं था। मेरे हॉल में ना कुछ वायरिंग है सब जगह। जब मेरा घर रेनोवेट हुआ था कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले, तब कुछ वायरिंग की थी। ये सोच के मेरे मॉम डैड ने कि उधर एक होम थिएटर फिट कराया, लेकिन अभी तक उधर होम थिएटर आया ही नहीं है। वो लोग खुद की इच्छा को पूरी करते ही नहीं है। तो अब जब मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया जिससे मैं खेल सकूं, मैं सोच रहा हूँ कि एक बेसिक सा होम थिएटर ले लेते और ये चीज को निपटाते। और मेरे को भी बहुत टाइम से किया था, मैं बहुत टाइम से कॉन्टेम्पलेट कर रहा था लूकी नहीं। आज सुबह उठ के मैंने सोचा ब्रो ये कॉन्टेम्पलेशन से कुछ नहीं होगा, बैंक में पैसा है खाली कर दूं उसको। ये मॉम डैड को पता नहीं है कि मैं लेने वाला हूँ, उनके लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, बस घर जाओगा बड़ा सा साउंड सिस्टम लेके, गाइस हाउ आर यू करके, लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है वो लोग का। सर दे विल नॉट लाइक इट, वो लोग बोल रहे तेरा पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है हम लोग के पीछे। लेकिन क्या पेरेंट्स ही ऊपर पैसा खर्च करते ना, बर्बाद करना नहीं होता है। उन्होंने जो तुम्हें जितना भी दिया तुम बस वो रिटर्न कर रहे हो इन अ वेरी स्मॉल वे। विजय सेल्स आ गए, पार्किंग है, पार्किंग है। स्टॉल कर दिया इसको, ड्राइविंग अभी तक आता नहीं है, बाइक चलाना ठीक ठाक आता है। किधर डालूं मैं? अबे रिवर्स में डालने का, इधर इधर कैसे डालेगा रिवर्स? अबे रिवर्स करने आता नहीं है, लाइफ में गाड़ी नहीं चलाया। ले राइट में दबा उसको थोड़ा, राइट में ले। रुक जा मैं उतरता हूँ। कार्ट फुल कार्ट कार्ट 12। He's embarrassed. तेरे को पता है पीछे BMW थी। सो लगता है ना 80 लाख की गाड़ी है, 80 लाख तेरा घर जाएगा। ऐसा दिखता है तू, ये हेयर कट निकाल ले ब्रो, पूरा ब्लॉग में टट्टी दिखेगा तू पूरा। ये पता है क्या है, सस्ता डॉन, डॉन 2 में जो रहता है ना शाहरुख खान, वैसे सस्ता वाला। 80,000 का साउंड सिस्टम है, इसमें तेरा घर जाएगा। विजय सेल्स सेकंड फ्लोर पे है होम थिएटर्स का। 5.1 वाला एक था मॉडल, S20 ऐसा कुछ आता है ये वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हॉल में थोड़ा कम साउंड लगेगा, बड़ा हॉल है ना। कितना बड़ा है? ना इससे थोड़ा सा बड़ा है। ये है S40R, उसको भी एक बार सुन लेते हैं। डिस्काउंट करवा दूंगा मैं अगर आप ये, तो मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये 25,200 तक आ जाएगा। ये S20R है, ये S40R है, 600 वॉट या 400 वॉट। प्लस इसके अंदर एस मास्टर एम्पलीफायर बिल्ट इन दिया हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें जो साउंड में जो रिचनेस, जो क्लैरिटी, जो हाई क्वालिटी साउंड आपको इसमें मिलेगा। पसंद तो यही आया है, लेकिन वो ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है, देखते हैं। आप जितना सुनाओगे ना उतना मेरा लेने का मन करेगा। S40R को और एक बार सुन लेता हूँ, दिल कन्विंस हो गया है, बैंक अकाउंट कन्विंस नहीं हुआ है। अभी स्टॉक में फिलहाल आपके पास अभी मिल जाएगा, रेडी है, ठीक है। अभी मैं पे वीडियो एडिट कर रहा था, मेरे को लगा कि ये स्टोरी में थोड़ा सा गैप है, इसलिए फिर मैं अभी यहाँ पे आके आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में कहा था मैं S20R लेने के लिए गया था, लेकिन फिर जब मैंने S40R को इन पर्सन सुनाना मेरा दिल उसके ऊपर आ गया। अभी S40R उससे 200 वॉट और प्रोड्यूस करता है, वो 600 वॉट है। और सिर्फ लाउडनेस नहीं, उसकी जो साउंड क्लैरिटी थी वो बहुत अच्छी थी, मच बेटर देन द S20R। लेकिन फिर प्रॉब्लम वो था कि डिस्काउंट के साथ भी वो कुछ 7,000 रुपए ज्यादा महंगा था, जो मैं स्पेंड करने के लिए विलिंग नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर लूँ सिर्फ एक साउंड सिस्टम में, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। जब मैंने सुना मुझसे रहा ही नहीं गया, फिर मैंने सोचा यार मैक याक ले ही लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? इमरान भाई ने हमें इतना वाला सुना ये S40R, इतना ज्यादा सुना दिया कि मन कर रहा है वही ले ले। वही अच्छा है ना? वो ज्यादा अच्छा है, कर दो फिर पैक, निकाल दो पैक पीस फिर सर के लिए। मशीन ले गया तो क्रेडिट कार्ड वाला, चलो हो जाए से ले सकता हूँ, लेकिन उधर स्पेंड करना है कि नहीं वो सवाल है। बड़ा बिग तो क्या है?
अभी हो गया, अभी क्या करें। इमरान भाई ने इतना प्यार से हमें समझाया ना कि ये S40R ले लो, फिर वही फाइनलाइज कर दिया हमने। मैं जस्टिफाई इस तरीके से कर रहा हूँ कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो हर एक चीज रहती है, खाने को छोड़ के, कपड़े को छोड़ के। कोई भी चीज लेगा तो जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा इन एनी व्हिच वे यू, क्योंकि दिल कहता है ले ले, दिमाग कहता है मत ले, बोलने का हाल इज फिर अपना कार्ड है हाथ में, एक बार ये हो गया फिर हो गया, नो टर्निंग बैक। हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत टाइम से लेना था। कभी कभी अपने आप को भी ट्रीट करना चाहिए और फैमिली को भी। कितना मिनट, 25 मिनट टोटल? ये चलेगा ना 20 साल चलेगा, नहीं चलेगा उसको खींच खींच के चलाएगी उसको। डिक्लाइन क्यों आया यार? अरे यार बैंक बोल रहा है मत खरीद। तो 20 का कर दो, मैं आपको जीपे कर देता हूँ बाकी का, चलेगा? पूरा जीपे हो रहा था, जी पे लाख रुपया होता है ब्रो। जब बाइक ले रहा था ना तब 10,000 के ऊपर नहीं जा रहा था। अरे बाप रे, नहीं अभी होता है, आई हैव डन इट मायसेल्फ। हां लिमिट एक्सटेंड हो गया, गरीब लोग का कार्ड है ना। रुपए कार्ड यार, क्या यार 25-200 राइट? 25-200 हो गया, डन गया, गया उड़ गया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू भाई। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, गाड़ी एकदम संभाल के तो तेरा घर जाएगा। प्रेडिक्टेबल हो गया यार, बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं। पता है साला मैं 1.5 साल से सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज लूंगा, लेकिन कुछ ऑब्लिगेशंस की वजह से मैंने लिया नहीं। और सिर्फ ऑब्लिगेशंस नहीं, प्रैक्टिकलिटी कि क्या मुझे सचमुच 25,000 के साउंड सिस्टम की जरूरत है? आंसर इज नो, आई डोंट एक्चुअली नीड इट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड वो चीज एक्सपीरियंस करे। और मुझे लगता है कि यार इफ यू आर यंग गाय और आपको म्यूजिक का शौक है और आपके गाड़ी में अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है, आपके घर में अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है, आपके किधर भी अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है, then that's a crime. एक अच्छा साउंड सिस्टम चाहिए ही चाहिए। उससे लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी अच्छे ईयरफोन्स है, गाड़ी में भी अच्छा ही साउंड है, बस घर पे साउंड थोड़ा बेकार आता था, वो ले लिया, हो गया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, लेकिन साला अकाउंट में तो पतला पतला सा हो गया यार। खर्चा नहीं कर અને એવું હતું 600 વોટ્સ છે 600 વોટ્સ છે ઓહો આપણે ગાડીમાં 120 વોટ્સ છે ગાડીમાં કેટલું મોટું લાગે છે આલ્કોહોલ લઈ દેશે એન્સર તો મેં લઈ જશું થેન્ક યુ બેટા લુક એટ ધેટ હેપી ફેસ સાઉન્ડ બાર કિધર ગયા યે હે ના આ ઇધર સાઉન્ડ બાર એટલે સામે આમ પડ લાંબો લાગે છે આપ પાછળનું વાયરલેસ સ્પીકર ऑलराइट। तो जैसा कि आपने देखा, पेरेंट्स को दिखा के हो गया होम थिएटर, दे रियली लव्ड इट, वो काफी इमोशनल थे इसको लेके। अभी फाइनली होम थिएटर घर में इंस्टॉल हो गया है। ये है शीशे के स्पीकर्स इधर और उधर, यहाँ पे हमारा सबवूफर, ये है साउंड बार। अभी मैं इसके ऊपर बैटमैन देख रहा था, बैटमैन में 5.1 ऑडियो है और क्या साउंड आता है यार, जब मतलब बैटमैन की गाड़ी जब लेफ्ट से राइट चलती तो पूरा स्पीकर वैसा लेफ्ट से राइट होता है, क्या क्या मस्त साउंड है यार। मैं पिछले 2 दिन से बस इस पे ऑब्सेसिवली चीजें देखे जा रहा हूँ, गाने सुने जा रहा हूँ, क्या ही मस्त साउंड है यार, वर्थ एवरी सिंगल पेनी। बाइनोरल ऑडियो करके एक चीज रहती है, ठीक है, जो बेसिकली 3D ऑडियो रहता है, जिसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट जा रहा है तो आपको प्रॉपरली वो उस तरीके से सुनाई देगा। और मैं GT3 खास स्पोर्ट्स कास्ट का उनके वीडियोस देख रहा था, वो ऐसे जा रहे वगैरह वगैरह वगैरह। जब मैं W ऑर्डर में रुका था अबू धाबी में यास्मीना सर्किट के ऊपर, तब मैंने ये तरीके का आवाज सुने थे, मतलब ये सब गाड़ियां जब गियर चेंज करते हैं ना, ऐसे दिल पे से झटका लगता है ठाट, वो मैंने इन पर्सन अबू धाबी में सुना था। और उसके बाद वैसा साउंड मैं फर्स्ट टाइम वापस सुन रहा हूँ मेरे घर पे, मेरे होम थिएटर में। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि होम थिएटर लेना, ले यार ले लो यार, अगर आपको आवाजों का शौक है, गानों का शौक है, तो फिर लेना ही चाहिए।